हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आंगनवाड़ी में जो है कई पदों पर वैकेंसी आने वाली है, सभी राज्यों में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जिसमें आशा सहयोगिनियों के पद के लिए जो है क्या योग्यता मांगी जाती है, आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हाल ही में 15% जो है सैलरी में जो है इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकती हैं। समय से पहले जो है आप लोगों को अगर जानकारी रहती है तो फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे आप। आपको पता लगेगा कि हमारे ज़िले से जो है वैकेंसी जो है हम कहाँ से देखें, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो सारी चीज़ें आप पहले से ही जो है समझ लें, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो है कई पदों पर वैकेंसी आती है। आशा सहयोगिनियों की पदों पर जो वैकेंसी आती है उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगते हैं, एज क्या मांगते हैं, वो सारी चीज़ें समझें। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट में हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अलवर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जो है डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट ऑल पर क्लिक कर लें या फिर रिक्रूटमेंट रिलेटेड इस पर क्लिक कर लें। तो इस पर जो है यहाँ पर व्यू अटैचमेंट में आप लोगों को अलग अलग ब्लॉक्स में जो वैकेंसी आएगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी में मिलेगा और साथ में विज्ञापन भी आपको देखने को इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इस पर जो है वो क्लिक कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस समझे, आपके ज़िले में जैसे ही वैकेंसी आती है हो सकता है कि मुझे लेट मालूम पड़े, तो आप लोग खुद जो है गूगल पे सर्च करके अपने ज़िले का नाम .rajasthan.government.in गूगल पे डालें और जो है खुद देखें, क्योंकि जो है इसमें वैकेंसी जो है वो जल्द जो है फिल हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है ऐसे विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो है ये पुराना विज्ञापन है और अब जो है नया विज्ञापन बिल्कुल जारी होगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त के बीच में ही जो है आपको विज्ञापन देखने को मिल जाता है आंगनवाड़ी में अलग अलग पदों पर जो वैकेंसी आती है। जैसे कि अभी साथिनी के पदों पर जो वैकेंसी आई वो ब्लॉक वाइज जो है वो सभी में जारी हुई। अब जो है आशा सहयोगिनी के पदों पर वैकेंसी आएगी, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, तो साथिनी के पदों पर जो है केवल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ही जो है आवेदन कर सकती थी। अभी इसमें जो है वो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की हैं चाहे आप शहरी क्षेत्र की हैं, और भी कई कंडीशन है वो आप देख लें। ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जिस आंगनवाड़ी केंद्र पर चयन हो रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही अभी विज्ञापन नया जारी होता है, ये पुराना विज्ञापन है, आप जो है इसमें समझें पहले। ग्रामीण क्षेत्र में महिला का जिस आंगनवाड़ी केंद्र पर चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम या वार्ड की निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस वार्ड की निवासी होनी चाहिए। तो आप शहरी क्षेत्र के हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। विधवा महिला, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल और मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाएगा। तो चाहे वह ससुराल से फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं या मायके से भी कर सकती हैं, दोनों ही जो है आप लोगों के लिए रहेंगे। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभी हायर क्वालिफिकेशन यदि आपकी होती है तो सिलेक्शन के चांसेस जो है उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितनी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है सब जो है इसमें लगा देंगे। तो 10th जो है वो कम से कम आपने उत्तीर्ण की हो और आपका जो है विवाहित तो होना अनिवार्य है। इसमें अनमैरिड जो है वो बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकती, ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु जो 21 से 40 वर्ष है। तो कुछ जो है कैंडिडेट पूछ रही थी कि साथनी के पदों पर जो वैकेंसी आई थी तो उसमें न्यूनतम आयु जो है एक विधवा कैंडिडेट की कितना है, तो उसमें जो है आप यहाँ पर जो है उसमें भी समान था और इसमें भी जो है वही है कि 45 वर्ष तक की, चाहे SC ST की है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, विशेष योग्यजन, सभी 45 ईयर तक की कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं। जनरल कैटेगरी की 21 से 40 वर्ष है। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने और उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है, तो ये आप यस कर देंगे बस। विधवा हेतु प्रमाण पत्र
के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि समय से पहले आप लोग फॉर्म आएंगे तब आप लोगों को परेशानी हो जाती है, क्योंकि बहुत कम समय देते हैं फॉर्म अप्लाई करने का। तो ऐसे में आपका जो प्रमाण पत्र है किसी भी जो है कैटेगरी की जो कैंडिडेट, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, ठीक है, तो सभी अपना जो प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल बनवा लेंगे। आवेदन के समय आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तलाकशुदा एवं परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम स्तर न्यायालय या उपखंड अधिकारी से जारी आदेश या डिक्री की छाया प्रति फोटोकॉपी तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा अंकन आवश्यक होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समय से पहले ही कर लेनी है, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो है सब्सक्राइबर हैं जो कि कहती रहती हैं राजस्थान में जैसे ही वैकेंसी आती है आंगनवाड़ी केंद्रों में तो बिल्कुल आप लोगों को बताई जाए। तो ये चीज़ जो है वो आप जान लें। अगर आप जो है प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसी समय जो है वो बनवाते हैं तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है आपके सामने। समय से पहले जो है आप लोग काम करें। आवेदन पत्र के साथ में जो है आप लोगों की अंक तालिका प्रमाण पत्र, सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र, बीएड, एनटीटी, डीपीएससी डिप्लोमा, ठीक है, आपका मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ये जो है वो आईडी के तौर पर जो है आपका कोई एक आपका होना चाहिए। और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो है जिनकी हाल ही में जो है विवाह हुआ था तो बिल्कुल अपना जो है प्रमाण पत्र बनवा लें, बाद में जो है समस्या हो जाती है। RSCIT अगर आपने किया है, PGDCA किया है तो ये प्रमाण पत्र भी लगा दें, ठीक है। तो ये जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है ताकि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो पहले से ही जो है तैयार रहें, जैसे ही जो है विज्ञापन जारी होता है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया ही जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है ये वैकेंसी हर वर्ष आती है, इस वर्ष भी आएगी, ब्लॉक वाइज जो है वो वैकेंसी निकाली जाती है। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये पुराना है, लास्ट ईयर जो है 5 अगस्त 2023 तक जो है वो आवेदन फिल किए गए थे, ठीक है। कोई फीस नहीं लगती है, आप लोगों को बता दूं। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।